बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत भी काफी लाइमलाइट में बनी रहती है। काफी वक्त से खबरें आ रही है कि मीरा बॉलीवुड में भी हाथ आजमाना चाहती है। हालांकि अभी तक उनके किसी भी प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। हालांकि वो एड्स में नजर आ चुकी है। रिसेंटली मीरा को एजलेस क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया, जहां उन्हें देखकर सभी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि महज 25 साल की एज में आखिर मीरा को एजलेस क्लिनिक के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। इससे पहले भी मीरा एक एड में एज कम करने वाली क्रीम का एड कर चुकी है और ट्रोल हो चुकी है। अब एक बार फिर मीरा फैंस के निशाने पर आ सकती है। इंडिया से लेकर विदेश तक सलमान खान के चाहने वालों की कमी नहीं है। सलमान की फिल्मों का फैंस दिल थामे इंतजार करते रहते हैं। वही फिल्मों के अलावा पिछले कई सालों से भाईजान का दबंग टूर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सलमान अपने स्टार्स की टीम के साथ अलग अलग कंट्रीज में इस कॉन्सर्ट को करते हैं, जहां भाईजान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। इस बार सलमान खान नवाबों के शहर हैदराबाद में इस टूर को करने जा रहे हैं, जिसके लिए सलमान और सोनाक्षी हैदराबाद पहुँच चुके हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सोनाक्षी और सुल्तान सलमान को कैप्चर किया गया। बॉलीवुड में आने वाली नई फिल्मों की चर्चा अक्सर होती है। मेकर्स के ऐलान करने से पहले फिल्मों और सेलेब्स के बारे में गॉसिप्स लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। अब खबर आ रही है कटरीना जल्द ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ एक एक्शन फिल्म में नजर आ सकती है। ईशान खट्टर को अपनी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए खूब तारीफें मिली थी और धड़क के साथ उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी। वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय में एमसी शेर का किरदार निभाते देखा गया था। खबरों की माने तो कटरीना को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म के लिए अप्रोच किया है। इस फिल्म में ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी होंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी चल रही हैं। श्रद्धा कपूर लास्ट साहू में नजर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बॉडीगार्ड के बर्थडे के मौके पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में श्रद्धा ने मराठी लैंग्वेज का यूज किया। अपने पोस्ट में शक्ति की लाडली ने अपने बॉडीगार्ड के लिए लिखा कि वो उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है और उनका हमेशा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कर रही है श्रद्धा। मैं लगता है तो एक फिल्म हो पर मैं डर। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम इन दिनों अपनी फिल्म बाला के प्रमोशंस में जुटी हुई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान यामी ने अपने एक फेमस एड पर बात की। कई सालों से मशहूर फेयरनेस क्रीम ब्रांड के साथ काम कर रही यामी ने बताया कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वक्त के साथ साथ खूबसूरती की डेफिनेशन चेंज हो रही है और अब गोरा रंग खूबसूरती का पैमाना नहीं माना जाता। आपको बता दें यामी काफी वक्त तक गोरा करने वाली क्रीम के लिए एक लड़की के तौर पर जानी जाती थी। बॉलीवुड के किंग खान अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन पर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर उन्हें खास तरीके से विश किया। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख संग कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं, जो बेहद खास हैं। फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख और करण की जोड़ी काफी मशहूर रही है। शाहरुख ने करण की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। ऐसे में करण ने इस खास मौके पर अपने जिगरी दोस्त को एक इमोशनल मैसेज के साथ जन्मदिन की बधाई दी। करण ने अपने पोस्ट में लिखा, हैप्पी बर्थडे शाहरुख भाई, मुझे नहीं लगता हमारे रिश्ते को शब्दों में बयां किया जा सकता है, खासतौर से उस छुट्टी को। आपकी हर बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है और टीचर भी। मेरे करियर और जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा तब था जब आप मेरे साथ थे। हालांकि अभी इससे बेहतर आना बाकी है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी रिलीज से पहले ही मुश्किल में फंसती दिख रही है। इधर कंगना अपनी फिल्म के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। उधर जयललिता की भतीजी जयदीपा ने उनके बायोपिक पर रोक लगाने की मांग की है। इसके लिए दीपा ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबरों की माने तो जयललिता की भतीजी दीपा ने मद्रास हाईकोर्ट में कंप्लेंट कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कंगना इस फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रही है। कुछ दिन पहले उनकी एक फोटो सामने आई थी, जिसमें वो प्रोस्थेटिक मेकअप मेजरमेंट करवाती दिख रही थी। अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है। आयुष्मान बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही हैं। अब मिस्टर खुराना फिल्म बाला को लेकर काफी चर्चा में है। आयुष्मान खुराना प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी पूरा वक्त देते हैं। वो फैमिली संग टाइम स्पेंड करते हैं। ताहिरा संग आयुष्मान की शादी को 11 साल पूरे हो चुके हैं। इसी मौके को स्पेशल बनाने के लिए आयुष्मान ने अपनी पत्नी को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में विश किया। आयुष्मान ने ताहिरा की एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। फोटो के साथ आयुष्मान ने लिखा, इस खूबसूरत लड़की के साथ 11 साल। इस पिक्चर को पोस्ट करते वक्त मैं बेहद खुश था। हैप्पी एनिवर्सरी ताहिरा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साल 2013 में डेविड धवन की चश्मे बदूर से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसके बाद बेबी, मिशन मंगल और सांड की आंख कुछ ऐसी फिल्मों में भी वो नजर आई। अपने रिसेंट इंटरव्यू के दौरान तापसी ने बताया कि वो बॉलीवुड में बनने वाली सेक्स कॉमेडी फिल्में इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें ये फनी नहीं लगता। तापसी का कहना है, मैं कभी भी सेक्स कॉमेडी फिल्में नहीं करूंगी क्योंकि इनमें महिलाओं के किरदारों को ढंग से नहीं दिखाया जाता। ऐसी फिल्मों में महिलाओं का गंदे तरीके से मजाक उड़ाया जाता है और उन पर लगातार डबल मीनिंग डायलॉग्स बोले जाते हैं। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है। नहीं जनाब, इस वक्त हर डायरेक्टर के फेवरेट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। कार्तिक आर्यन के पास फिलहाल बैक टू बैक बिग प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है और मिस्टर आर्यन लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म्स पर काम कर रहे हैं। कार्तिक जल्द ही पति पत्नी और वो में अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर के साथ दिखाई देने वाले हैं। कार्तिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में फिल्म का एक मोशन पोस्टर शेयर किया है, जिसमें चिंटू त्यागी बने कार्तिक दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये फिल्म 6 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर के कजन और संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपना 20वां जन्मदिन मना रही है। इस दौरान पूरे परिवार ने घर पर केक काटा और शनाया कपूर को विश किया। संजय कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के बर्थडे की वीडियो शेयर की। इस दौरान शनाया, उनकी बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे, भाई अर्जुन कपूर और रेहा कपूर भी मौजूद है। भाईजान भी कपूर ने भी शनाया के बर्थडे पर कई पुरानी पिक्चर्स शेयर कर उन्हें विश किया। आपको बता दें, शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही हैं, हालांकि अभी तक उनके किसी भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट की जानकारी सामने नहीं आई। यूपी के गाजियाबाद जिले की कोर्ट ने कोरियोग्राफर फिल्म मेकर रेमो डिसूजा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ जाते हुए रेमो डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्री अरेस्ट बेल प्ली के लिए अपील की थी। रिपोर्ट्स की माने तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया है। मुंबई पुलिस को अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से किसी तरह के कोई आदेश नहीं मिले हैं, इसकी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल गाजियाबाद के एक शख्स ने रेमो पर अमर मस्ट डाई बनाने के लिए 5 करोड़ लेने और दोगुना प्रॉफिट शेयर करने की बात कहते हुए शिकायत दर्ज की थी। रेमो डिसूजा पर पैसे न लौटाने का आरोप था। बॉलीवुड स्टार्स खुद के लिए वक्त निकालना नहीं भूलते। खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए स्टार्स अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताते हैं। बीते दिन कई स्टार्स हमारे कैमरे में कैप्चर हुए। अदिति राव हैदरी ब्लू टॉप डेनिम जीन्स विद व्हाइट शूज में बांद्रा में स्पॉट हुई। अर्जुन कपूर अपने फिटनेस पर काफी ध्यान दे रही है, ऐसे में उन्हें हमने जिम के बाहर कैप्चर किया। अनिल कपूर को जुहू के मदर केयर क्लिनिक के बाहर देखा गया तो कार्तिक आर्यन को सैलून के बाहर स्पॉट किया गया। सारा जिम के बाहर स्पॉट हुई और फिर अपनी मॉम अमृता सिंह के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिल्पा शेट्टी अपने बेटे के साथ स्पॉट हुई। एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी लव लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में बनी हुई है। इस पाटनी जल्दी सलमान खान के साथ एक बार फिर नजर आने वाली है। बीते दिन दिशा ने सोशल मीडिया पर राधे के सेट से एक पिक्चर शेयर की, जिसमें वो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ दिशा ने एक फेमस मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है, जिसकी कवर की पिक दिशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। पिक्चर्स में दिशा बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, लहंगे में मिस पाटनी बेहद ग्लैमरस लग रही है। इंडिया से लेकर विदेश तक सलमान खान के चाहने वालों की कमी नहीं है। सलमान की फिल्मों का फैंस दिल थामे इंतजार करते रहते हैं। वही फिल्मों के अलावा पिछले कई सालों से भाईजान का दबंग टूर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सलमान अपने स्टार्स की टीम के साथ अलग अलग कंट्रीज में इस कॉन्सर्ट को करते हैं, जहां भाईजान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। इस बार सलमान खान नवाबों के शहर हैदराबाद में इस टूर को करने जा रहे हैं, जिसके लिए सलमान और सोनाक्षी हैदराबाद पहुँच चुके हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सोनाक्षी और सुल्तान सलमान को कैप्चर किया गया।